नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में त्रिपुर भैरवी साधना होने जा रही है, जिसमें माता के सभी भैरवी स्वरूपों की उपासना की जाती है। इस साधना से आरोग्य, सुख, मनोवांछित विवाह की इच्छा पूरी होने के साथ नौकरी व्यापार में तरक्की के साथ ही सभी दुखों का नाश करने वाली होती है। इनकी साधना से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट होकर हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, प्रचंड रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, हर तरह के तंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, सांसारिक जीवन में आने वाली सभी तरह की समस्या का समाधान होता है, धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज थोड़े से प्रश्नों का जवाब देंगे। कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि साधना के समय कोई आसपास है, ऐसा उनको महसूस होता है। कुछ लोगों को महसूस होता है कि जैसे कि कोई बर्तन है, गिर रहे हैं, बर्तन के गिरने की आवाज़ या गिराने की आवाज़, कदमों की आवाज़, जो कदम उनके पास तक आते हैं फिर दूर हो जाते हैं, इस तरह के अनुभव होते हैं। और इसी में ये होता है कि कोई सुगंध या फिर दुर्गंध, इस तरह का भी अनुभव होता है, तो लोग डर जाते हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है। एक प्रकार का अनजाना भय उनके मन में आ जाता है। वो आँख खोलने से भी डरते हैं कि आँख अगर साधना काल में खोल देंगे पता नहीं क्या दिख जाए, तो ये वजह से और परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के अनुभव भी सामान्य तौर पर होते रहते हैं। तो इसका जो मेन कारण माना जाता है वो यही माना जाता है कि जब आप साधना में कुछ कर रहे हैं, सचमुच कुछ कर रहे हैं, मंत्रों के वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं और आप कहते ना सफलता की तरफ थोड़े से एक कदम दो कदम बढ़ना शुरू कर दिया है, तब इस तरह के अनुभव आते हैं। ज्यादा करके इस तरह के अनुभव होते हैं साधना के अंतिम समय में आते हैं, यानी जब साधना के 2-3 दिन बचते हैं तब इस तरह के अनुभव आते हैं। तो जाहिर है जब इस तरह के अनुभव आते हैं तो हालत ये होती है जो साधक होता है वो साधना डर के मारे छोड़ सकता है, डर के मारे उस जगह से भाग सकता है, इस तरह के अनुभव आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी अवस्था में आप पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई उग्र साधना कर रहे हैं, जैसे देवी लक्ष्मी गायत्री सरस्वती की साधना कर रहे हैं, तो कोई समस्या की बात नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी उग्र आप साधना कर रहे हैं तो आपको पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। हम लोग वहां कहते हैं भैरव छड़ी, भैरव छड़ी, यानी एक होता है कि नॉर्मल आप एक मतलब लकड़ी ले लें और लकड़ी से एक अपने आप जहां आप बैठते हैं उस जगह पर, वो नीम की लकड़ी या आम की लकड़ी होती है ज़्यादा करके, और उस लकड़ी से एक 2 फुट के दायरे में अपने चारों तरफ ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ये मंत्र बोलकर अपने चारों तरफ 2-3 फुट के सराउंडिंग में वो लकड़ी घुमा देते हैं, लेकिन ये मंत्र बोलकर। इससे आपको एक बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये उड़द के कुछ दाने अपने आसपास बिखेर देते हैं ओम ब्रह्म भैरवाय नमः बोलकर अपने चारों तरफ, इस तरीके से ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, चारों तरफ उड़द के कुछ इतने इतने दाने, यानी 8-10 दाने ये कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी साधना सही दिशा में चल रही है तो इस तरह के अनुभव स्वाभाविक हैं, लेकिन हमारा हमारे शरीर के लिए ये पहला अनुभव होता है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी कर लेते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता, और साधना का समय जैसा एंडिंग होना शुरू हो जाता है ऐसा लगेगा जिससे घर में उथल पुथल हो रही है, बहुत ज्यादा बर्तनों की आवाज या बहुत से लोगों की आने की आवाज
इस तरह का अजीब वो गरीब अनुभव होता है। आप डर के मारे आंखें खोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती कि पता नहीं हमें क्या दिख जाए और क्या हो जाए। तो ये पहले से प्रयोग अगर कर लेते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत लाभकारक है जो साधना में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये करें और फिर ऐसे कोई समस्या नहीं आती। आशा है ये उपाय आपके काम में आएगा। धन्यवाद।